ये आप आइसोलेशन में एक अनूठे कैटेगरी में रख के नहीं देख सकते। ये आप तब कर रहे हैं जीएसटी जब आपका होलसेल इंडेक्स 14% और 15% के बीच में है, जिसके विषय में आपने यहाँ से कल बात की थी, और रिटेल है 7.5 के लगभग, कभी 7 हो जाता है, कभी 8 हो जाता है, कभी 7.25 हो जाता है। इनका सीधा संपर्क है, इनको अलग अलग नहीं देखिए। और सबसे बड़ी लात पेट में इसके लगती है जीएसटी से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है इसका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इसका परोक्ष दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक चीज़ पे लगता है, वहाँ तो सीधा पेट पे लात लगती, लेकिन और कई चीज़ों पे इसका असर पड़ता है। रोचक बात एक और देखिए दाएं और बाएं हाथ के सिंड्रोम के विषय में। 2021 सितंबर में लखनऊ में मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की, 45th मीटिंग, 45वीं मीटिंग। उसमें माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब 11.5% हो गई है। पहले रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 15.5 थी। रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर आप सब चीज़ों में 15.5% लगाएं तो भी काम चल सकता है, उससे आपके रेवेन्यू कम नहीं होगा। ये रेट 15.5% से लेके सिर्फ 11.5% हो गई है, ये कह रही है माननीय वित्त मंत्री 2021 सितंबर में। और आज आप 92% आइटम्स 143 में से रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जब 11.5% है उसको 28% में मूव कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।